इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साकिरा का रेप केस में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। चूंकि पीड़ित महिला का बयान नहीं दर्ज हो पाया, उससे पहले ही उसकी मौत हो गई, इसीलिए एसआईटी की टीम टेक्निकल एविडेंस की बारीकी से छानबीन कर रही। चूंकि वारदात को अंजाम देकर आरोपी साकी नाका से कुरला की तरफ भाग गया था, इसीलिए वारदात वाले इलाकों में कुरला के बीच 5 किलोमीटर के दायरे के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा। इन इलाकों के बीच करीब 70 सीसीटीवी से जांच टीम को 3 फुटेज हाथ लगे, जिसके आधार पर आगे की तफ्तीश जारी है। एसआईटी की टीम उस वॉचमैन के स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड करेगी, जिसने वारदात की रात घटनास्थल पर सबसे पहले पुलिस को सूचना दी थी। शुरुआती जांच में पता चलता है कि दिल दहला देने वाले जघन्य अपराध में केवल एक आरोपी शामिल था। पीड़िता की शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मोहन चौहान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 376, 323 और 504 के तहत केस दर्ज किया गया। सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले में फास्ट ट्रैक ट्रायल का आदेश दिया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले पर गंभीरता से संज्ञान लिया। इस घटना के बाद औरंगाबाद में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वही बीजेपी महिला विंग के सदस्य आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान साकिनाका के ताजा केस के अलावा महीने भर में महाराष्ट्र में महिलाओं पर हुए सभी अत्याचार की घटनाओं की जानकारी राज्यपाल को दी जाएगी। केवल बीजेपी ही नहीं, इस घटना के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए और जमकर महाराष्ट्र सरकार को कोसा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।